Hello, my dear students. Good morning to all. Today's date is 25/5/2020. Subject English Grammar, Class 2, Book, The Grammar Right Book, Chapter 2, Revision Exercises. My dear students, in the last class, I have told you that I will give you some exercises by myself. बच्चों हम आपको बोले थे कि लास्ट क्लास में हम कुछ एक्सरसाइजेस हम आपको अपने तरफ से देंगे जिसके द्वारा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चैप्टर के ऊपर और अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग कर रहे हैं चैप्टर टू सेंटेंस रिवीजन एक्सरसाइजेस. ये जो एक्सरसाइजेस है ये आपका चैप्टर सेंटेंस के ऊपर है. ठीक है, तो आप एक्सरसाइज करने के पहले आप चैप्टर सेंटेंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा. नंबर वन, रीअरेंज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस. यहाँ पे बोला गया है कि आपको इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सही तरीके से आपको अरेंज करना है जिससे कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. ठीक है, हम आपको वन नंबर एग्जांपल के तौर में समझा रहे हैं. बुक हुज दिस इज, देखिए यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पर ये आपका मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, इसको आपको ठीक से अरेंज नहीं किया गया है, तो इसको आपको ही इसको अरेंज करना है और इसे मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना है. बुक हुज दिस इज, हुज बुक इज दिस क्वेश्चन मार्क. तो देखिए अभी आपको इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ रहा है कि ये बोल रहा है कि ये किताब किसका है. हुज बुक दिस इज, हुज बुक इज दिस. ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक से टेन, वन से लेकर टेन तक जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया गया है उसे आपको सही प्रकार में अरेंज करना है और उसे मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बताना है. ठीक है, आइए नंबर टू में, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद कैपिटल लेटर क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप. यहाँ पे बोला गया है कि आपको यहाँ पे सेंटेंस को दोबारा लिखना है और जिसमें आपको कैपिटल लेटर से आपको बिगिन करना है सेंटेंस, और जहां देखिएगा कौन कौन सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क लगता है या फिर फुल स्टॉप. ठीक है, जैसे देखिए नंबर ए, अ बलून इज फुल ऑफ एयर. तो देखिए यहाँ पे अ बलून इज फुल ऑफ एयर, तो ए क्या होगा आपका कैपिटल लेटर होगा, बलून होगा, बलून बलून इज फुल ऑफ एयर, उसके बाद क्या होगा फुल स्टॉप. तो देखिए ये सेंटेंस पहले से अरेंज किया गया था, बस इसमें आपका कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप नहीं दिया गया, तो ये चीज आपको खुद लगाना है. ठीक है, इसको आपको दोबारा लिख के. अब जैसे देखिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन और एक सेंटेंस है नंबर एफ, यू आर गोइंग वेयर. तो ये क्या है आपका सही प्रक्रम से अरेंज नहीं किया गया, तो आपको इसको अरेंज करना है, आपको कैपिटल लेटर यूज करना है और सेंटेंस पढ़कर समझना है इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा या फिर फुल स्टॉप. जैसे देखिए वेयर आर यू गोइंग, अभी देखिए ये हुआ आपका सही सेंटेंस, आपका वेयर कैपिटल लेटर होगा उसके बाद ये जबकि क्वेश्चन है तो इसलिए आपको यहाँ पे फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. तो इसी प्रकार से आपको ए टू जे सॉल्व करना है. ठीक है, आते नंबर थ्री में, स्टेट द टाइप ऑफ सेंटेंस, स्टेटमेंट क्वेश्चन कमांड और रिक्वेस्ट. यहाँ पे आपको बताना, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि आपको बताना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, स्टेटमेंट है या फिर क्वेश्चन है या फिर कमांड या रिक्वेस्ट है. जैसे देखिए नंबर वन, द बैग इज ऑन द टेबल, ये क्या आपका स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेटमेंट सेंटेंस. ठीक है, जैसे नंबर टू, वेयर इज योर अंकल्स हाउस, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सेंटेंस. तो इसी प्रकार से आपको बताना है ये सेंटेंस आपका स्टेटमेंट सेंटेंस है या फिर क्वेश्चन सेंटेंस है या फिर कमांड और रिक्वेस्ट सेंटेंस है. ठीक है, तो आपको ये इस प्रकार से आपको सॉल्व करना पड़ेगा. तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आप सबसे पहले ये चैप्टर सेंटेंस को घर में अच्छी तरह से पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद ये वन टू एंड थ्री सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू क्लास.